द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस जारी है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि अमित शाह ने क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मजाक बना दिया है? क्या अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के अरमानों पर पानी फेर दिया है? दरअसल मोदी जी कई सभाओं से यह कह चुके हैं कि यूसीसी देश की जरूरत है। भला एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? अलग अलग लोगों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून क्यों हो? और इसी को एक रूपता लाने के लिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते। लेकिन इस बीच अमित शाह ने कई जगहों से ऐसा वायदा कर दिया है जिसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं, क्या वाकई में यूसीसी लागू होने वाला है या फिर इसका मजाक बनाया जा रहा है? क्या मोदी जी का जो सपना है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, क्या वो पूरा नहीं हो पाएगा? क्या उनके अरमानों पर पानी फेर दिया जाएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर क्यों रहा हूं। दरअसल इसके पीछे वजह है पूर्वोत्तर राज्यों से किया जा रहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वादा। पूर्वोत्तर राज्य लगातार इस मामले में आवाज उठा रहा है, खास करके जो जनजाति समुदाय है या फिर आदिवासी है, ये सब कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी विविधताएं, हमारी परंपरा वो एक रूप वाली नहीं है, इसे हम लोग सदियों से मानते आ रहे हैं और उसके साथ छेड़छाड़ वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तकनीकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी पूर्वोत्तर के कई राज्यों को इसमें संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में अगर यूसीसी लागू होगा तो कैसे होगा? अमित शाह के सामने परेशानी आई तो उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों को छूट देने का मन बना लिया। लाखों सुझाव आए हैं, यूसीसी को लेकर मसौदा अभी सामने नहीं है, फिर भी लोग बहस कर रहे हैं, क्योंकि जब एक कानून बनेगा वो भी उस देश में जो धर्म निरपेक्ष है, अलग अलग धर्म के लोग यहां रहते हैं, उस देश में जहां की संस्कृति थोड़े ही थोड़े किलोमीटर पर बदल जाती है, बोली भाषा बदल जाते हैं, तो इतनी विविधताएं हैं हमारे देश में, उसको आप एक रूप में कैसे लाएंगे, यूनिफॉर्म कैसे करेंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, जनसत्ता ने एक खबर दी है जो हिला देगी। ईसाइयों और आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखने का केंद्र ने किया वादा, अमित शाह से मुलाकात के बाद नागा प्रतिनिधिमंडल का दावा। अब नागा प्रतिनिधिमंडल जो वहां गए, अमित शाह ने उन्हें भरोसा दे दिया कि चलिए भाई यूसीसी बनाएंगे तो आप लोग अपना साइड रहिए, सुरक्षित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश एक है तो फिर किसी को आप छूट कैसे देंगे? जब छूट देंगे तो हर कोई अपने तर्क लेकर आएगा, तो उन्हें भी छूट दीजिए, फिर यूसीसी का सपना छोड़ दीजिए। कुछ तो करना पड़ेगा। जब आप पूर्वोत्तर के राज्यों को छूट देंगे तो फिर तो बाकी के राज्य में जहां आदिवासी हैं, जनजाति हैं या फिर नॉर्मल जो भी लोग हैं, उन सब के पास अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, विचारधारा है, उस हिसाब से उन लोगों के पास अपना कानून है, तो क्या उन सबको आप दरकिनार कर देंगे? अगर कर रहे हैं तो सबके लिए कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो फिर देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके देखिए। इस खबर में जरा देखना होगा डिटेल में कि आखिर क्या कहा जा रहा है, नागा नेताओं को कैसे यह वादा कर दिया गया, इसी मामले में समझना पड़ेगा क्या हुआ है। जब अपने स्क्रीन पर देखिए, जनसत्ता ने कहा है कि नागालैंड सरकार के प्रवक्ता और सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के सलाहकार केजी केनिया ने कहा, हमने गृह मंत्री को अनुच्छेद 371A से अवगत कराया जो नागालैंड पर लागू है और जुलाई 1960 में नागा जनजातियों और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित 16 सूत्री समझौते पर आधारित है। इस समझौते के अनुसार हम अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में जिस स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं उसे संसद द्वारा पारित किसी भी केंद्रीय कानून द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। केवल अगर ऐसा कानून राज्य विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाता है तो यह नागालैंड राज्य पर लागू हो सकता है। तो लीजिए, नागालैंड राज्य के पास एक 16 सूत्री समझौते के तहत यह सुविधा है कि वह सिर्फ अपने ही राज्यों में लिए गए फैसले को लागू करेंगे, केंद्र के द्वारा अगर कुछ इस तरीके का कानून आता है तो वहां लागू नहीं होगा, उससे आप बाध्य उन्हें नहीं कर सकते हैं। अब इसी का फायदा उठाकर नागालैंड वाले कह रहे हैं कि भैया हमें यूसीसी से दूर रखिए, और अमित शाह कहते हैं कि तथास्तु, हम दूर रखते हैं आपको। जब इन्हें दूर रखेंगे तो इसके अलावा तो अलग अलग राज्यों में भी बवाल मच रहे हैं ना,
झारखंड के जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, आवाज बुलंद होने लगी है, तो झारखंड भी तो आवाज उठाएगा, छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल्स हैं तो वो लोग भी आवाज उठाएंगे, मध्य प्रदेश की हालत ऐसी है और इसके अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में होंगे। मेघालय के सीएम ने तो कह दिया ना कि आप हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, तो इस तरीके से लोग वहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और मेघालय के जो परंपरा है वो भी तो खास है, हम कुछ लोगों के स्टेटमेंट भी आपको दिखा देंगे मेघालय के सीएम का क्या कहना है, या फिर अभी नागालैंड में जो विवाद हो रहा है तो उससे अगर छूट मिलती है तो यूसीसी फिर यूसीसी नहीं है, ये सेलेक्टिव यूसीसी कैसे लोग सह पाएंगे, कैसे इसमें खुद को एडजस्ट कर पाएंगे। इसका मसौदा जब सामने आएगा और सबके हितों की इसमें बात होगी, किसी को छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब देखना होगा। अब जरा देखिए जनसत्ता ने आगे क्या कहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से जनसत्ता ने लिखा है, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस को ही उस व्यक्ति ने, प्रवक्ता जो है एनडीपीपी के, उन्होंने बताया है। यहां कहा गया है कि केंद्रीय ने कहा, गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि ईसाइयों को और कुछ आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर करने पर कानून आयोग विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि नागा प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री की प्रतिक्रिया से आश्वस्त और बहुत खुश था। उन्होंने साल 1960 का 16 सूत्रीय समझौता, जिसके आधार पर दिसंबर 1963 में नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, नागा प्रथागत कानूनों और सामाजिक धार्मिक प्रथाओं साथ ही भूमि और संसाधनों की रक्षा करता है। अब जानते हैं कि विधि आयोग की अधिसूचना के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में खूब इस बात को लेकर बहस चल रही है। तो खैर देखिए, विवाद तो शुरू हो गया, अगर अमित शाह छूट देना शुरू करेंगे तो यह छूट बहुत लोगों को देना पड़ जाएगा। इस वजह से हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिया था, जरा देखिए अभी अपने स्क्रीन पर हेडलाइंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूसीसी पर एनडीए में मतभेद, भारत के विचारों के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बोले मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा। इन्होंने खुद कहा है ये भारत के विचारों के खिलाफ है, क्योंकि भारत कहते हैं कि विशेषता वाला देश है जिसमें तमाम धर्म के लोग वास करते हैं, इसके साथ ही साथ उनकी परंपरा, उनकी मान्यताएं, उनकी आस्था, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, ये सब अलग है, विविधताएं हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है। अरे थोड़ी थोड़ी दूर पर तो बोली बदल जाती है, संस्कृति पहनावे बदल जाते हैं, नियम कानून बदल जाते हैं। आप सोचिए ना, हमने देखा था एक मौलाना साहब बता रहे थे कि गुजरात की संस्कृति अलग, असम की संस्कृति अलग, कैसे मेल होगा। दक्षिण में जो पंडित हैं वो कुछ और नियम कानून को फॉलो करते हैं, उत्तर में जो ब्राह्मण हैं उनके नियम परंपरा जो है अलग है, अलग अलग जातियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनके परंपरा है उसको मानते हैं, तो इसमें कैसे घाल मिल किया जाएगा। इसका मसौदा आने तो दीजिए, दिक्कत जिनको होगी आवाज तो उठेगी, नागालैंड वाले, पूर्वोत्तर राज्य के बाकी जो भी राज्य हैं वो सब आवाज उठा रहे हैं, तो देखिएगा उत्तर भारत से भी, पश्चिम भारत से भी, ये सब आवाज उठेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसी वजह से जो पूर्वोत्तर की आवाज है, कॉनराड संगमा की आवाज क्यों बुलंद है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए जनसत्ता का भी हेडलाइन उन्हीं से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के सहयोगी दल ने किया यूसीसी का विरोध, मेघालय के सीएम बोले हमारी संस्कृति को ना ही छुआ जाए तो अच्छा होगा। ये डंके की चोट पे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक मेघालय ऐसा राज्य है जहां पर पितृसत्तात्मक परंपरा नहीं है, वहां पर मातृसत्तात्मक परंपरा है, वहां उल्टा होता है, वहां जो है लड़के आते हैं लड़की वालों के पक्ष के यहां रहने के लिए, लड़के विदा होते हैं, लड़की विदा नहीं होती है, तो यह एक विवाद का विषय वहां पर बन चुका है और इससे उन्हें भी छूट मिल सकती है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे हैं जो इस परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं। अब जरा चलते चलते यह भी समझ लीजिए कि यूसीसी है क्या। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम, दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला फंसने वाला है। और अमित शाह अगर छूट देते चले तो फिर लागू हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो समझिए कि मोदी जी के अरमानों पर एक तरह से पानी फेरना ही तो हो ही गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा, उसका मसौदा क्या सामने आता है, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को झटका लगने लगा है यूसीसी पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।